मध्य प्रदेश में बीजेपी की बंपर जीत के बाद मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस 8 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने राजधानी भोपाल में एक बैठक बुलाई जिसमें सीएम के चेहरे पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है जो कि बीजेपी दफ्तर में लगाई गई। वायरल तस्वीर से माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार मामा यानी शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं होंगे। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वायरल तस्वीर में लिखा क्या है या किन चेहरों को शामिल किया गया जिससे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए सीएम फेस का चौंका देने वाला एक बहुत बड़ा सच। भोपाल में होने वाली बैठक में भाग लेने केंद्रीय पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा सोमवार सुबह भोपाल पहुंचे। तीनों ही विधायक दल के सदस्यों से बातचीत कर नेता का नाम चुनने की प्रक्रिया कराएंगे। अगर प्रदेश में शिवराज को बदलते हैं तो एक को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही बाकी को एडजस्ट करना होगा, लेकिन कैसे इसको देखते हुए दो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला प्रदेश में लागू किया जा सकता है। ऐसे में 6 संभावनाएं बनती हैं। प्रहलाद पटेल को सीएम बनाने पर कैलाश विजयवर्गीय और गोपाल भार्गव को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। एससी एसटी वर्ग से किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ा रोल दिया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में ही रहेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम बनाने पर प्रहलाद पटेल और गोपाल भार्गव को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बड़ा रोल दिया जा सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में ही रहेंगे। कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री बनाने पर नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। एसटी एससी वर्ग से किसी को प्रदेश अध्यक्ष और गोपाल भार्गव को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वीडी शर्मा और शिवराज जो को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में ही रहेंगे। वीडी शर्मा को सीएम बनाने पर प्रहलाद पटेल और किसी एसटी एससी चेहरे को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। शिवराज केंद्र में जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में ही रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने पर प्रहलाद पटेल और वीडी शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शिवराज सिंह केंद्र में जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के ही सीएम बने रहने पर कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। गोपाल भार्गव को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। वीडी शर्मा केंद्र में जा सकते हैं। अब जान लीजिए कि वायरल पोस्टर से क्यों माना जा रहा है कि शिवराज नहीं होंगे सीएम। दरअसल भोपाल में विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी का राजधानी भोपाल स्थित कार्यालय सज गया, मंच भी तैयार है। हालांकि मंच से सीएम शिवराज की तस्वीर गायब थी। राज्य के लिए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के लक्ष्मण ने कहा कि विधायक दल की बैठक होनी है। मनोहर लाल की 3 सदस्यीय समिति विधायकों से चर्चा करेगी, बाद में फैसला होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस शीर्ष पद की दौड़ में फिलहाल सबसे आगे हैं। हाल ही में उन्होंने बताया कि कोई भी रोल मामा और भैया टाइटल से बड़ा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा ओबीसी समुदाय से एक और नेता जो मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं, वो है प्रहलाद सिंह पटेल, जिन्होंने हाल ही में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।